वेलकम बैक हैश ट्रेडर्स टू द इंडियाज फर्स्ट लाइव जनरल। इस जनरल में व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कि जो हमारे ट्रेड्स हो रहे हैं, कंप्लीट सिनेरियोस उन ट्रेड्स का, सिर्फ एक सिंगल ट्रेड नहीं, जो भी सारी पोजीशंस होंगी, वी विल बी वॉचिंग अप ऑल द पोजीशंस स्ट्रेटली। महीने में दो बार आई विल बी पुशिंग फॉरवर्ड माई पोजिशंस कि उन पोजिशंस में क्या सिनेरियोस चल रहे हैं, एंड द एंड ऑफ द मंथ विल बी पुटिंग फॉरवर्ड द लेजर्स। ठीक है, ऐसा पहली बार इंडिया में हो रहा है कि सारी की सारी पोजीशंस डिस्प्ले की जा रही हैं। ऐसे नहीं कि आज आज प्रॉफिटेबल हुआ तो आज की पोजीशन शो कर दी, नहीं, कंप्लीट पोजीशंस विच हैव बीन होल्डेड फॉर अ पीरियड ऑफ अ मंथ, ठीक है, वो शोकेस होंगी महीने में दो बार ताकि एडजस्टमेंट्स का हमें आइडिया मिले, एंड एंड ऑफ द मंथ पे विल बी शेयरिंग ऑफ द लेजर्स। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू शोकेस कि हमें ट्रेडिंग्स करनी किस तरीके से है। ठीक है, राइट, क्योंकि अगर हम एक पोजीशन शोकेस करते हैं किसी पर्टिकुलर दिन, जिस दिन प्रॉफिट हो गया, तो दैट इज नॉट नॉट द बेस्ट वे ऑफ वर्किंग अप। बेस्ट वे ऑफ वर्किंग अप इज कि हम अपनी सारी की सारी पोजीशंस जो ओपन्ड हैं वो शोकेस करें, और एंड ऑफ द मंथ पे सारी की सारी पोजीशंस जो ओपन थी और जो क्लोज हुई हैं वो शोकेस करें, ताकि एक बेस्ट आइडिया मिल सके कि कैसे ट्रेडिंग्स, कंप्लीट ट्रेडिंग्स होती हैं। ठीक है, सेकेंडली आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि लास्ट मंथ हमने करीबन करीबन 25,000 लोगों को मील प्रोवाइड करी है। मैंने कुछ नहीं किया उसके अंदर में, अगेन आई एम सेइंग इट्स थैंक्स टू यू ऑल, थैंक्स टू लाइक 160 वॉलंटियर्स जिन्होंने अलग अलग सिटीज के अंदर में अलग अलग जगहों पे मील्स प्रोवाइड करी लोगों को। ठीक है, वेरी थैंकफुल टू यू, बट हमें यहाँ नहीं रुकना है, वी हैव टू प्रोवाइड एटलीस्ट 1 करोड़ मील्स टू द पीपल हु वॉन्ट इट। ठीक है, राइट, अपने रीजन में यू हैव टू प्रोवाइड अप दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड दिस इज अ गुड डीड विच यू हैव टू डू फॉर योर सेल्फ। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी वर्किंग्स। इससे पहले आज मैं जो आपका कम्युनिटी टैब है उसके अंदर में आई विल बी पुटिंग फॉरवर्ड अ ट्रेड टुडे इटसेल्फ। ठीक है, तो जस्ट कीप अ वॉच ऑन द कम्युनिटी टैब टुडे इटसेल्फ, विल बी पुटिंग फॉरवर्ड अ ट्रेड फॉर यू ऑल। ओके, एंड यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर ट्रेड, I will be also using that particular trade for my own personal tradings. Okay, so keep it watched, or the viewers hain, they can put forward the subscription button and they can put forward the notifications of that. Okay, right, so that you can actually get it out. Theek hai, so abhi live profit jo chal rahe hain for February, ye pehla bara session hai February ka. Theek hai, right, isme abhi live profit jo chal rahe hain, that is around 42,14,000. इसमें जो पोजीशंस ओपन्ड हैं दे आर लाइक बेसिकली एसीसी के तो आज रिजल्ट्स आए हैं, तो ऑब्वियसली आईवीज काफी डाउन हुई हैं, एंड वी हैव गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स टुडे। ओके, एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट्स के अंदर में आल्सो वी आर जनरेटिंग सर्टेन प्रॉफिट्स। ठीक है, यूरो फार्मा के अंदर में वी हैव अराउंड 4 लेग्स, उसमें पोजीशन चल रही हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में आई विल बी गिविंग यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एन आइडिया कि कैसे हम अपने ट्रेड्स को सेलेक्ट करते हैं, तो वॉच द कंप्लीट वीडियो, इन बिटवीन आई विल बी शेयरिंग अप द आइडिया कि कैसे हम अपने ट्रेड्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ब्रीफ इनसाइट उसकी हमारी रहेगी। ठीक है, और जो भी व्यूअर्स हैं, चैनल व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दे विल गेट अ लाइव ट्रेड्स ऑल्सो आज ऑन द कम्युनिटी टैब। ठीक है, हैव अ वॉच ऑन दैट, एंड नोटिफिकेशन का ध्यान रखना ताकि सो दैट यू कैन गेट इट आउट एज सून एज अ ट्रेड हैज कम। ठीक है, जैसे ट्रेड आता है उस समय आप उसको ले लेना। ठीक है, डोंट डिले इट आउट, क्योंकि डिले करने से फिर प्राइजेस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, राइट, एंड उसकी जो एडजस्टमेंट्स वगैरह होंगी, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट बैक फॉर द एडजस्टमेंट्स एंड ऑल, एडजस्टमेंट्स आई विल बी डायरेक्टली गिविंग यू आउट। ठीक है, पहले हम रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद फिर हम लोग अपनी ट्रेडिंग्स देखेंगे। राइट, अब हम अपना वन बाय वन करके चलेंगे, पोजीशंस वगैरह देखेंगे, और वो पोजीशंस में क्या वर्किंग्स चल रही हैं, वी विल सी इट आउट। ज़्यादा पोजीशंस नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी लाइक ब्रिस्क पोजीशंस दिस पर्टिकुलर मंथ। एसीसी के अंदर में 2 लेग्स हैं। ठीक है, 1700 पुट्स, 1800 कॉल्स। ठीक है, यू कैन करेंटली ऑल्सो डू दैट, बट आज रिजल्ट आए हैं तो आईवीज डाउन हो गई हैं, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप एसीसी के अंदर में भी इंटरप्ट करो। ठीक है, एशियन पेंट्स की पोजीशंस हैं, 2400 की पुट है, 2500 की कॉल है। ठीक है, दैट मींस कि 2400 को हम लोग एज अ रेजिस्टेंस लेके, एज अ सपोर्ट लेके चल रहे हैं, और 2500 को एज अ रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं। ठीक है, राइट, बट पोजीशंस एडजस्ट होंगी, अगर कुछ भी इसके अंदर में मूवमेंट्स आएंगी तो विल एडजस्ट द पोजीशंस। ठीक है,
प्रोबेबली एसीसी को हम जल्दी कट ऑफ करेंगे, क्योंकि आईवीएस अगर इसकी डाउन हो जाएंगी आज तो हम उसको कट ऑफ करेंगे पोजीशंस को प्रोबेबली, ठीक है। यूरो फार्मा के अंदर में चार लेग्स हैं, ठीक है, पांच लेग्स हैं, ठीक है। लेग्स अलग अलग पॉइंट्स पे बनती हैं, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, और लेग्स बनाने का जो तरीका होता है कि पहले दो लेग्स बनेंगे, उसके बाद फिर वो चार लेग्स बनेंगे, उसके बाद वो छह लेग्स बनेंगी, इस तरीके से लेग्स में मल्टीप्लीकेशन होती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। जनरली हम लोग वेटेज ऑलमोस्ट सेम रखते हैं लेग्स की, मतलब कि अगर 3000 हमने 2400 पुट्स में किया है तो 3000 हम 2500 कॉल्स में कर रहे हैं, बट अगर ज़्यादा डायरेक्शनल है अब किसी काउंटर को लेके तो उसमें हम लोग पोजीशंस को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब वेटेज हम उसकी इंक्रीज कर सकते हैं। अभी अगर हम इसमें यूरो फार्मा में देखेंगे तो 6500 प्लस 6500 प्लस 9750 हमारा कॉल साइड में है, एंड 9750 एंड 16250 हमारा पुट साइड के अंदर में है। कैडिलैक में दो पोजीशन हैं, ठीक है। डेविस लैब के अंदर में चार लेग्स हैं इस समय करंटली ओपन, हीरो मोटोकॉर्प के अंदर में भी चार लेग्स ओपन है, ठीक है। करंटली जो पीएनडल्स हैं इट्स अराउंड 4197, चेंज होते रहेंगे, ठीक है, एज पर द मार्केट्स, ठीक है, वो चेंज होते रहेंगे इसके अंदर में, बट जो हम आई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर महीने, इस पर्टिकुलर मंथ जो हम प्रॉफिट्स आई अप कर रहे हैं, दैट इज मोर देन 70 लैक्स, ओके, फॉर द ट्रेडिंग्स। ये मेरा टारगेट रहेगा इस पर्टिकुलर महीने, मंथ छोटा है बट वी स्टिल हैव डीकेज लेफ्ट, सो आई एम होपिंग कि वी विल जनरेट मोर देन 70 लाख प्रॉफिट दिस पर्टिकुलर मंथ, बट लेट्स सी हाउ मच वी जनरेट अप। बेसिक जो आपका गाइडलाइंस इसमें रहेंगी मेरी एंड से कि देखो, इट हैज़ बीन अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स कॉन्स्टेंटली आई एम शेयरिंग अप माई लाइव ट्रेड्स विद यू, ठीक है। अब तक तो आपको आइडिया मिल चुका होगा कि कैसे कंसिस्टेंटली हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। टाइम एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू कि यस, मार्केट से यू कैन जनरेट कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। आई एम हेयर टू एनकरेज यू आप इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग के लिए। ऐसा नहीं होता कि मार्केट्स के अंदर में रेवेन्यूज नहीं जनरेट होते, बट अगर आप सही तरीका अपनाओगे तो रेवेन्यूज कंसिस्टेंटली जनरेट होंगे। डोंट लूज योर होप्स इन द मार्केट्स, ठीक है, राइट। आपको एक सही स्ट्रेटेजी को चूज करना होगा, सही तरीके को चूज करना होगा, जो भी आपका मेंटर है, जो भी आपका सो कॉल्ड गुरु है, ठीक है, राइट। दे आर नॉट गुरुज इन द मार्केट, दे आर नॉट mentors in the markets, you need to learn up by yourself in the markets, ठीक है, right, spoon feedings markets में नहीं होती हैं, ठीक है, and you need to give your time into the markets, you need to give your energy into the market, आपको understand करना होगा सही तरीके को। सही तरीका क्या है? सही तरीका है hedge tradings, सही तरीका है आपका option writings, ठीक है, सही तरीका है right amount of adjustments at right amount of time, इन points को आप note कर लेना, ठीक है, राइट। दीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी फ्यूचर वर्किंग्स के अंदर में। और सही तरीका है आप जो भी वर्किंग कर रहे हो, जो भी आपका स्टैग्नेंट वर्कआउट है, ठीक है, उसके अंदर में सबसे पहले जब किसी काउंटर को आप पिकअप कर रहे हो तो उस काउंटर को आपने सही तरीके से सेलेक्ट करना है। एंट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्शन राइटिंग में एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एंट्री इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यू आर चूजिंग द स्टॉक्स इन विच यू वांट टू ट्रेड अप। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि वो स्टॉक लिक्विड है कि नहीं है, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट्स करनी है इन फ्यूचर, तो आपको लिक्विड काउंटर्स में ही ट्रेड करना है। इक्विटी के अंदर में सारे काउंटर्स लिक्विड नहीं होते, ठीक है, थोड़े काउंटर्स हैं जो लिक्विड हैं, आपको वो आपको चेकअप करना है कौन कौन से काउंटर्स हैं, जैसे रिलायंस हो गया, इन्फी हो गया, TCS हो गया, किसी किसी मूवमेंट पे कोई काउंटर्स होते हैं वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर महीने हीरो मोटोकॉर्प लिक्विड था, ठीक है, डेविस लैब लिक्विड था, कैडिलैक लिक्विड था, ठीक है, राइट। तो इन काउंटर्स में हम लोग पुट फॉरवर्ड करें हैं। सेकेंडली आपको देखना होता है कि इनका आईवी स्ट्रांग हो, मतलब एक स्ट्रांग आईवीज हमेशा अच्छे होते हैं सेलिंग के लिए, ठीक है, वीक आईवीज हमेशा अच्छे होते हैं बाइंग के लिए, ठीक है, या वीक आईवीज हमेशा अच्छे होते हैं कवरिंग के लिए, ठीक है, राइट। अगर आपने सेल किया हो तो कवरिंग के लिए वीक आईवीज विल बी ऑलवेज गुड, ठीक है। एंड रिजल्ट से पहले आईवीज बढ़ जाते हैं किसी भी काउंटर के, ठीक है, तो अर्निंग ट्रेड्स आप कर सकते हो, अर्निंग ट्रेड्स आर ऑलवेज गुड, ठीक है, बट अर्निंग ट्रेड्स के अंदर में यू हैव टू बी अ लिटिल डायरेक्शनल, ठीक है, तब आपको ज़्यादा डायरेक्शनल तो आपको हमेशा होना ही होगा। तो यू हैव टू यूज़ योर इंसाइट्स, यू हैव टू यूज़ योर सोर्सेज इंफॉर्मेशंस टू बी डायरेक्शनल, ठीक है। जितना आप डायरेक्शनल होगे उतना आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, ठीक है। सो बेसिक पॉइंट्स पकड़ लो, लिक्विड होने चाहिए काउंटर्स एंट्री से पहले, आपको चेक करना है। दूसरा, आपके काउंटर्स की आईवी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, जो आपके काउंटर्स ट्रेड अप कर रहे हो वो डायरेक्शनल होने चाहिए, तो जब आपको डायरेक्शनल व्यूज के अंदर में मिल रहा है तभी एंटर अप, ठीक है। और डायरेक्शनल व्यू
पे एंटर करने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डायरेक्शनल, इफ यू आर बुलिश इन एनी पर्टिकुलर काउंटर, सो मेक अ बुल ट्रेड. बुल ट्रेड क्या होगा कि आपकी पुट साइड्स जो होंगी वो नियर बाय होंगी और आपकी कॉल साइड्स जो होंगी वो आपकी फार अवे होंगी, या पुट साइड्स के अंदर में आपकी ज्यादा लेग्स होंगी, कॉल साइड्स के अंदर में आपकी लेग्स कम होंगी. ठीक है, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ वैरायटीज टू मेक इट बुलिश. ठीक है, ज्यादा उनके पीछे मत पड़ो कि बुल स्प्रेड करना है हमें या फिर आपको वर्टिकल स्प्रेड्स करना है. ये लैंग्वेजेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, जस्ट फोकस ऑन कि अगर आपके बुल ट्रेड्स हैं तो आपकी ज्यादा पोजीशंस जो हैं पुट सेलिंग्स में होनी चाहिए, कम पोजीशंस आपकी कॉल सेलिंग में होनी चाहिए. पुट्स आपकी ज्यादा नियर बाय होनी चाहिए, कॉल्स आपकी ज्यादा दूर होनी चाहिए. बाकी आप उसे किसी भी लैंग्वेज में वर्कआउट कर लो, दैट हार्डली मैटर्स. ठीक है, प्रैक्टिकल हो मार्केट के अंदर में, थ्योरेटिकल चीजें काम नहीं करती हैं. ठीक है, बाकी आई विल पुटिंग फॉरवर्ड अ ट्रेड इन द कम्युनिटी टैब, लुक फॉरवर्ड फॉर दैट. एंड जो भी हेल्प चाहिए होगी यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट बैक विद मी. एंड आई एम ओनली एंटरटेनिंग पीपल राइट नाउ. मैं आपको एक सजेशन इसके अंदर मैं और देता हूँ, अगर द पोर्टफोलियो इज लेस देन 25 लाख्स, डोंट कम इनटू द मार्केट्स राइट नाउ फॉर हेज ट्रेडिंग्स. ठीक है, हेज ट्रेडिंग्स के लिए आई ऑलवेज प्रेफर कि आपका एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो होना चाहिए. अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है इस समय, तो यू जस्ट कीप लर्निंग इनटू द सिस्टम. लर्निंग से क्या होगा, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि मुझे हेज ट्रेडिंग्स इन फ्यूचर कैसे करनी है, कैसे उसमें सेगमेंट आउट करना है. बट एक चीज ध्यान रखो, मेरी ट्रेडिंग्स देखो, इस ट्रेडिंग्स के अंदर में क्या है कि मल्टीपल काउंटर्स हैं, एक सिंगल काउंटर में ट्रेड नहीं हो रहा. ऐसा नहीं हो रहा कि हम ACC में ट्रेड कर रहे हैं, एशियन में ट्रेड कर रहे हैं, यूरो में ट्रेड, या एक ही पर्टिकुलर सिंगल काउंटर में ट्रेड कर रहे हैं. वी आर पुटिंग फॉरवर्ड मल्टीपल काउंटर्स इन दैट. सो हैव दिस एज ए फर्स्ट पॉइंट कि अगर आपको हेज ट्रेडिंग में एंटर करना है, यू हैव टू हैव द मल्टीपल काउंटर्स इन पोजिशंस. सेकेंडली, हर काउंटर की मल्टीपल लेग्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वो लेग्स बनेंगी, तो आपको उसके लिए पोर्टफोलियो चाहिए. राइट, सो डोंट कम इन बिटवीन, डोंट कम इन द हेज ट्रेडिंग सेगमेंट्स इफ योर पोर्टफोलियो इज लेस देन 25. ठीक है, राइट, टेक केयर. आई होप लाइक यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो. नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो विल कम अप शॉर्टली, एंड टुडे आई विल बी पुटिंग फॉरवर्ड अ ट्रेड इन द कम्युनिटी टैब, सो हैव अ वॉच ऑन दैट. टेक केयर, पीस आउट.